हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड सिक्स सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर टेन मैं एक्सरसाइज टेन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड आर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी साइड थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ फोर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थ्री सेंटीमीटर फोर थ्री जार ट्वेल्थ स्क्वायर सेंटीमीटर सेकेंड में क्या है ट्वेल्व मीटर और ट्वेंटी वन मीटर तो एरिया ऑफ रैक्टेंगल एल मल्टीप्लाई बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ट्वेंटी वन मीटर मल्टीप्लाई ट्वेल्व मीटर ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई ट्वेल्व करके कितना आएगा टू हंड्रेड फिफ्टी टू स्क्वायर सेंटीमीटर ट्वें थर्ड का है टू किलोमीटर एंड थ्री किलोमीटर एरिया ऑफ रैक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ थ्री किलोमीटर मल्टीप्लाई टू किलोमीटर थ्री टू सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पे एरिया है इसलिए हम स्क्वायर लगाते हैं देन डी टू मीटर सेवेंटी सेंटीमीटर तो अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ टू मीटर मल्टीप्लाई सेवेंटी सेंटीमीटर अब सेवेंटी सेंटीमीटर है उसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं सो सेवेंटी अपॉन हंड्रेड करेंगे क्योंकि वन मीटर इजिक वन मीटर इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर होता है इसीलिए सो टू मीटर मल्टीप्लाई सेवन अपॉन हंड्रेड मीटर सो टू मल्टीप्लाई सेवन अपॉन हंड्रेड स्क्वायर मीटर सो यहाँ पे क्या करेंगे टू मल्टीप्लाई सेवनटी करेंगे मतलब सेवेंटी टू जा वन हंड्रेड फोर्टी सेवेंटी टू ज़ीरो टू सेवन ज़ा फोर्टी वन हंड्रेड फोर्टी अपॉन हंड्रेड स्क्र मीटर अभी दो जीरो है तो वन और टू यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे मतलब वन पॉइंट फोर्टी स्क्वायर मीटर कितना इजी है ना क्वेश्चन टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी साइड टेन सेंटीमीटर है फोर्टीन सेंटीमीटर और फाइव सेंटीमीटर फर्स्ट ए की एरिया ऑफ रेक्ट स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड टेन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई टेन सेंटीमीटर टेन टेजा हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर सेकंड है फोर्टीन सो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड फोर्टीन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई फोरटीन सेंटीमीटर फोरटीन फोर्टीन ज़ा वन नाइन्टी सिक्स स्क्र सेंटीमीटर थर्ड है फाइव मीटर सो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड फाइव मीटर मल्टीप्लाई फाइव मीटर फाइव फाइव जर ट्वेंटी फाइव स्क्र मीटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थ्री द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ थ्री रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिए रेक्टेंगल की नाइन मीटर सिक्स मीटर तो क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ नाइन मीटर मल्टीप्लाई सिक्स मीटर नाइन सिक्स ज़ा फिफ्टी फोर स्क्वायर मीटर उसके बाद है सेवनटीन मीटर थ्री मीटर सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ सेवनटीन मीटर मल्टीप्लाई थ्री मीटर सेवनटीन थ्री जा फिफ्टी वन स्क्वायर मीटर उसके बाद है फोर मीटर एंड 14 मीटर तो क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ फोर्टीन मीटर मल्टीप्लाई फोर मीटर फोर्टीन फोरजा फिफ्टी सिक्स स्क्वायर मीटर सो विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया ये तीनों में से किसका लार्ज एरिया है और किसका स्मॉल है तो यहाँ तीनों में से देखो सबसे लार्ज किसका है सी का है और सबसे स्मॉल है बी का तो सी हैज़ लार्जेस्ट एरिया एंड बी हैज़ स्मॉलेस्ट एरिया है ना बच्चों कितना इजी उसके बाद देखो क्वेश्चन फोर द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन फिफ्टी मीटर लॉन्ग इज़ थ्री हंड्रेड स्क्वायर मीटर मतलब आपको यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल थ्री हंड्रेड स्क्वायर मीटर दिया है और उसका लॉन्ग कितना है मतलब लेंथ दी हुई है फिफ्टी मीटर तो फाइंड द वेथ ऑफ द गार्डन तो हमें उसकी ब्रेथ फाइंड आउट या वेथ फाइंड आउट करनी है देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन थ्री हंड्रेड स्क्वायर मीटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन फिफ्टी मीटर सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है थ्री हंड्रेड स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू लेंथ कितनी है फिफ्टी मीटर ब्रेथ फाइंड आउट करनी है यहाँ पे थ्री हंड्रेड इज इक्वल टू के फिफ्टी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इजक्वल टू के दूसरी साइड आएगा डिवाइड में सो थ्री हंड्रेड स्क्वायर मीटर अपॉन फिफ्टी मीटर इज इक्वल टू ब्रेथ जीरो जीरो कट हो जाएगा फाइव सिक्स ज थर्टी तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सिक्स मीटर मतलब ब्रेथ या वेथ कितनी आ गई सिक्स मीटर ओके उसके बाद क्वेश्चन फाइव देखो वॉट इज द कॉस्ट ऑफ टीलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फाइव हंड्रेड मीटर है और फाइव हंड्रेड मीटर लॉन्ग है एंड टू हंड्रेड मीटर वाइड एट द रेट ऑफ एट पर हंड्रेड स्क्वायर मीटर तो प्लॉट रेक्टेंगल प्लॉट है उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है वो फाइंड आउट करेंगे जो आंसर रहेगा उसे मल्टीप्लाई क्या करेंगे उसका रेट है एट ओके okay? सो so, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लेंथ है फाइव हंड्रेड मीटर और ब्रेथ है टू हंड्रेड मीटर सो यहाँ पे कैसे करेंगे फाइव टू जा टेन और वन टू थ्री फोर जीरो टेन के बाद वन टू थ्री फोर जीरो आ गए आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो मतलब वन लाख स्क्वायर मीटर अब आ, क्या है एट द रेट ऑफ एट पर हंड्रेड स्क्वायर मीटर है हंड्रेड स्क्वायर मीटर है पर सो so, कॉस्ट ऑफ टीलिंग इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट वन लाख एरिया है हमारा मल्टीप्लाई ऐट पर स्क्वायर मीटर है मतलब एट अपॉन हंड्रेड हंड्रेड पर स्क्वायर मीटर है इसीलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे ये दो ज़ीरो कट कर देंगे थाउजेंड मल्टीप्लाई ऐट कितना आ जाएगा एट थाउजेंड रुपीज ओके क्वेश्चन सिक्स देखो अ टेबल टॉप मेजर्स टू मीटर बाय वन मीटर टर फिफ्टी सेंटीमीटर वॉट इज इट्स वॉट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर एरिया इसका फाइंड आउट करना है लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है लेंथ है टू मीटर ब्रेथ है वन मीटर फिफ्टी मीटर इज इक्वल टू वन पॉइंट फिफ्टी ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस फिफ्टी अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू वन प्लस जीरो पॉइंट फिफ्टी इसे डेजेमल में लिखेगा तो क्या आ जाएगा वन पॉइंट फिफ्टी मीटर एरिया ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ टू मीटर मल्टीप्लाई वन पॉइंट फिफ्टी मीटर सो पॉइंट निकाल देते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज़ीरो फाइव टू जा टेन वन टू वन जा वन और टू थ्री अब पॉइंट के uh, के बाद दो डिजिटे तो यहाँ भी हम पॉइंट के बाद टू डिजिट uh, रख देते हैं तो थ्री पॉइंट जीरो ज़ीरो स्क्वायर मीटर ओके उसके बाद है क्वेश्चन सेवन रूम इज़ फोर मीटर लॉन्ग एंड थ्री मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर वाइड मतलब थ्री पॉइंट फिफ्टी होगा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज़ नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम तो हमें यहाँ भी एरिया फ्लोर का फाइंड आउट करना है देखो लेंथ है फोर मीटर ब्रेथ है थ्री मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर इज इक्ल टू थ्री प्लस फिफ्टी अपॉन हंड्रेड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं थ्री प्लस जीरो पॉइंट फिफ्टी मीटर इज ल टू थ्री पॉइंट फिफ्टी मीटर एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ फोर मीटर मल्टीप्लाई थ्री पॉइंट फिफ्टी मीटर तो थ्री पॉइंट फिफ्टी मल्टीप्लाई फोर करते हैं जीरो फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी टू के फोर थ्री जो ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टू फोरटीन पॉइंट के बाद टू डिजिट है यहाँ भी हम पॉइंट के बाद टू डिजिट रखते हैं तो फोरटीन पॉइंट जीरो जीरो स्क्वायर मीटर आता है ओके okay? उसके बाद क्वेश्चन आइट है अ फ्लोर इज फाइव मीटर लॉन्ग एंड फोर मीटर वाइड अ स्क्वेर कारपेट ऑफ साइड थ्री मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर जो ये फ्लोर है उसके ऊपर ये थ्री मीटर का कारपेट रखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर देट इज़ नोट कारपेट है जहाँ पे कारपेट नहीं है देखो ये जो है फ्लोर है फोर मीटर और फाइव मीटर और फोर मीटर का उसके ऊपर ये थ्री मीटर का कारपेट रखा हुआ है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है जहाँ पे वो कारपेट नहीं है वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो ये जो यहाँ कारपेट रखा हुआ है थ्री मीटर थ्री मीटर थ्री मीटर का और ये जो है तो हमें जहाँ पे ये कारपेट नहीं है क्या है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर देट इज़ नॉट कारपेट जहाँ पे कारपेट नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है तो हम ये दो फाइंड आउट करेंगे और वो एक दूसरे में से माइनस कर देंगे देखो एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ फाइव मीटर मल्टीप्लाई फोर मीटर ट्वेंटी स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ कारपेट का साइड मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर है इसलिए साइड मल्टीप्लाई साइड थ्री मीटर मल्टीप्लाई थ्री मीटर थ्री थ्री जॉ नाइन स्क्वायर मीटर अब ट्वेंटी में से नाइन माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ फ्लोर नोट कारपेडेड ट्वेंटी स्क्वायर मीटर माइनस नाइन स्क्वायर मीटर इलेवन स्क्वायर मीटर मतलब इलेवन स्क्वायर मीटर में कारपेट नहीं एरिया ऑफ द फ्लोर नोट कारपेटेड कितना आया एलेवन स्क्वायर मीटर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सो टुडे योर होमवर्क इज वर्क बुक Uh, workbook question number one two three four and ten okay workbook question number one two three four and ten okay thank you